एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने वीवैप इंडिकेटर के ऊपर स्ट्रेटजी डाला था ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर आप में से किसी ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर चेकआउट करना। सो इन दिस वीडियो वी विल सी अनदर स्ट्रेटजी। क्रेडिट फॉर द स्ट्रेटजी गोज टू हिमांशु मेघलानी फ्रॉम प्रो सिक्योरिटीज, हु हैज अ यूट्यूब चैनल विद ओवर 200K सब्सक्राइबर्स। आप उनका चैनल देख सकते हो स्क्रीन पे। हमारे भी चैनल पे 5K होने वाले हैं, तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो कर दो यार जल्दी। बहुत लोग इनका स्ट्रेटजी रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो चलिए देखते हैं कैसा है। सो टुडे वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट अ फेमस स्ट्रेटजी कॉल्ड ओपन हाई लो वीवैप स्ट्रेटजी फ्रॉम प्रो सिक्योरिटीज प्रोवाइडेड बाय हिमांशु मेघलानी, विच अकॉर्डिंग टू हिम इज अ हाई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी विच हैज 80% एक्यूरेसी। लेट्स सी, स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा। दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम्स। ये स्ट्रेटजी एक्चुअली एक स्क्रीनर यूज करता है जो उन्होंने अपने वीडियो में दिखाया था। चलिए इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं, जहां हम ओपन आई लो वीवैप स्ट्रेटजी को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स में स्क्रीनर यूज करके, और पता लगाएंगे कि ये इंडियन मार्केट में कैसे काम करता है। सो हाई एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे सेटअप रेडी करते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। टाइम फ्रेम को हम पहले 5 मिनट्स कर देंगे। ऑब्वियसली मैंने पूरा वीडियो देखा है, वो पहले 15 मिनट्स टाइम फ्रेम करते हैं, फिर फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल का रेंज मार्क करते हैं। बट लॉजिकली वो रेंज का कोई सेंस नहीं बनता है। उनका ओनली क्राइटेरिया रहता है कि वो अगर ओपन हाई का कंडीशन है तो उसका हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, और ओपन लो का कंडीशन है तो उसका लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। दूसरा वाला लाइन है उसका कोई सेंस नहीं बना रहा था वीडियो में, तो इसके लिए हम वो नहीं करने वाले, सीधा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम कर देंगे। अभी इसके बाद हम चार्ट पे वीवैप ऐड करेंगे और सेटिंग्स को डिफॉल्ट रख देंगे। दैट्स द सेटअप। चलिए अब स्क्रीनर पे चलते हैं। ये बेसिकली ओपन लो का स्क्रीनर है। लॉजिक इतना सा है कि द कैंडल जिसका ओपन और लो सेम रहेगा उस दिन के लिए, आपको वही स्टॉक्स चाहिए, उस पर ट्रेड करना है। तो इसमें बुलिशनेस रहता है ऐसे स्टॉक्स में। ये आपको ऐसा लिस्ट देगा उन स्टॉक्स का जिन्होंने अपना लो ब्रेक नहीं किया हुआ है। चलिए अभी क्या करना है थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे मार्केट खुलता है, फर्स्ट 15-30 मिनट्स तो आपको कोई ट्रेड ही नहीं करना है अकॉर्डिंग टू हिम। मार्केट को पहले सेटल होने दो, उसके बाद ये स्क्रीनर रन करना और आपको एक लिस्ट आएगा। अभी इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर देना और आपको इसी में ही जो आगे मैं सेटअप बताऊंगा वैसे ट्रेड करना है। जैसे ये देखिए, हमने ब्रिटानिया का चार्ट खोला है यहाँ पर। चलिए बाय एंट्री का रूल्स देखते हैं। बाय एंट्री में आपका ओपन इज इक्वल टू लो कंडीशन है। ओके, फर्स्ट आपको ट्रेड 9:45 के बाद करना है, फिर प्राइस शुड नॉट ब्रेक द डे लो, फिर प्राइस शुड गो बिलो वीवैप। मतलब आपको पूरा प्राइस जैसे ब्रेक होगा ना तो आपको वीवैप के नीचे जाना चाहिए। एटलीस्ट आपका एक कैंडल का ओपन और जो क्लोज प्राइस है ना वो वीवैप के नीचे होना चाहिए कम से कम, अगर आपको बोलना है ना रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाने का इसमें। सो यहाँ पर देखिए, जैसे ये नीचे जाके ऊपर चला गया, फिर प्राइस शुड क्लोज अबाउ वीवैप। जैसे ही आपका प्राइस क्लोज होगा आपको वहां पर एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस पूरे दिन में जो सेकंड लोएस्ट लो है, जो अभी ओपन लो कंडीशन है तो आपका लोएस्ट लो तो ओपनिंग कैंडल ही होगा, इसके बाद जो भी लो रहेगा आपको वो स्टॉप लॉस रखना है। फिर टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, प्राइस ने डे लो को ब्रेक नहीं किया है, प्राइस वीवैप के नीचे आके वीवैप के ऊपर क्लोज हुआ है, और यहाँ ये सब 9:45 के बाद हुआ है। सो कैंडल के क्लोज पे एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस डे का सेकंड लोएस्ट लो है और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क। नाउ दैट्स अ विन। चलिए अभी सेल का भी सिमिलर स्क्रीनर यूज करेंगे। सिर्फ कंडीशन ओपन इज इक्वल टू हाई का कंडीशन है और बाकी लॉजिक पूरा सेम है। ये स्क्रीनर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए अभी जो ओपन इज इक्वल टू हाई किया है, यहाँ पर जो भी स्टॉक्स आएगा इन्हें अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और जैसा रूल्स दिया है वैसा फॉलो करेंगे। सो फॉर सेल एंट्री कंडीशन है, आपको सबसे पहले तो आपका ओपन शुड बी इक्वल टू हाई होना चाहिए। ट्रेड ओनली आफ्टर 9:45। प्राइस शुड नॉट ब्रेक द डे हाई। मतलब आपको एंट्री लेने से पहले ना प्राइस कभी डे हाई को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर डे हाई के ऊपर जाके नीचे है तो आपको एंट्री लेना ही नहीं है। फिर प्राइस शुड गो अबाव वीवैप। एटलीस्ट वन कैंडल शुड हैव अ ओपन एंड क्लोज अबाव वीवैप। प्राइस क्लोजेस बिलो वीवैप, एंट्री एट द क्लोज ऑफ द एंट्री कैंडल। स्टॉप लॉस सेकेंड हाइएस्ट हाई ऑफ द डे। जो ओपन हाई वाला जो फर्स्ट कैंडल का हाई है उसको छोड़ के जो नेक्स्ट हाई बनेगा ना आपको वहां पर स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क। चलिए इसका भी एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, प्राइस ने डे हाई को ब्रेक नहीं किया है, प्राइस वीवैप के ऊपर आके वीवैप के नीचे क्लोज किया, और ये सब 9:45 के बाद ही हुआ है। सो कैंडल के क्लोज
सो कैंडल के क्लोज पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस डे का सेकेंड हाईएस्ट हाई रखेंगे और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क। नाउ दैट्स अ विन। तो इस स्ट्रेटजी को चलिए 100 टाइम्स टेस्ट करते हैं और इसका असली विन रेट चेक करते हैं। आई विल लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट, सो लेट्स सी द बैक टेस्टिंग रिजल्ट। सो द टेस्ट आर ओवर। जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 100 था, उसमें से 53 वॉज विन एंड 47 वॉज लॉस। सो विन रेट हुआ 53%, टोटल गेन इन अकाउंट वॉज 26.58% एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज -4.99%। कंटिन्यूस विन इन अ रो वॉज 4 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो वॉज 7। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज 1.611 मंथ्स। जैसे आप देख सकते हो स्ट्रेटजी इज प्रॉफिटेबल, 26.58% गेन इन जस्ट 1.611 मंथ एंड ड्रॉडाउन इज जस्ट -4.9%, विच इज क्वाइट गुड। Kudos to Himanshu Miglani from Pro Securities for sharing such a strategy. As always, जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी को खुद टेस्ट करना है, फिर डिसीजन लेना है कि ये स्ट्रैटेजी अच्छा है कि नहीं है। So I'll add this strategy in the Google Sheet, link in the description, and this takes the 15th position in the list. You can check the list and review or rewatch any specific strategy you like. So guys, if you like the video, please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification and do like the video and share the video. अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI ID आपके स्क्रीन पे होगा। प्लीज़ कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रैटेजी आप चाहते हैं कि हम बैकटेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोस में, ये भी ज़रूर बताना। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरे स्ट्रैटेजीज के वीडियोज़ भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।